अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा AI एंड डाटा साइंस के कोर्स का फर्स्ट लेक्चर है, उसके अंदर हम अपने इस कोर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपस में क्या ताल्लुक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस को इस्तेमाल करते हुए रियल लाइफ के अंदर हम कौन कौन सी एप्लीकेशंस बना सकते हैं और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में किस तरह से इनको यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्लाइड्स पर चलते हैं और एक नज़र ओवरव्यू देखते हैं कि किस तरह से हम AI को, डाटा साइंस को और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ में और अपने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले हम AI की डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन को स्टडी करेंगे और AI की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को स्टडी करेंगे। तो स्लाइड्स पर चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने AI के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज दैट आर यूज्ड इन AI, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद हम डिफरेंट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज को देखेंगे कि कौन कौन सी एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज और एप्लीकेशन फील्ड्स हैं जहां पर AI इस्तेमाल हो सकती है। एंड देन हम AI के कुछ डेवलपमेंट ट्रेंड्स को देखेंगे कि AI को यूज करते हुए इन फ्यूचर कौन कौन सी एप्लीकेशन बनाई जा सकती हैं और कौन कौन सी एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड के अंदर बन चुकी हैं और वो एक्सटेंसिवली यूज हो रही हैं। अच्छा, अगर हम AI की बात करते हैं तो AI के अंदर इन द आईज ऑफ सोसाइटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सोसाइटी की नज़र में यानी एक आम इंसान की नज़र में डिफरेंट तरह से होती है, और एक कंप्यूटर साइंटिस्ट उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को एक डिफरेंट एंगल से देख रहा होता है, उसे समझ रहा होता है। अगर हम एक आम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमंस जो होते हैं, आम इंसान, उन्होंने न्यूज़ के अंदर AI के बारे में सुना होता है या उन्होंने मूवीज के अंदर AI के बारे में देखा होता है कि डिफरेंट मूवीज हैं जिनके अंदर वो रोबोट्स देखते हैं, और या डिफरेंट न्यूज है जिनके अंदर वो AI के बारे में सुनते हैं। जैसे कि एक ओल्ड मूवी है लेकिन वो बहुत ज्यादा पॉपुलर मूवी है, टर्मिनेटर के नाम से, जिसके अंदर एक रोबोट होता है और वो एक बच्चे की जान बचाता है। तो उस रोबोट को देखते हुए, उस एक मशीन को देखते हुए एक कंसेप्ट आता है कि हो सकता है कि ये एक AI हो। इसी तरह से आप ChatGPT की एप्लीकेशन यूज करते हैं, आप कुछ पैराफ्रेसिंग टूल्स यूज करते हैं, तो इन सारी एप्लीकेशन को देखते हुए आपके जहन में एक AI का कंसेप्ट आता है कि हो सकता है कि ये AI की एप्लीकेशन हो या AI किसी ना किसी तरह से इन एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो रही हो। तो एक आम इंसान अपने नजदीक AI को इस तरह से अंडरस्टैंड करता है। एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट अगर हम बात करें तो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट AI को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा होता है, उसका AI को अंडरस्टैंड करने का एंगल डिफरेंट होता है। अब अकॉर्डिंग टू एलन ट्यूरिंग, विच इज अ ग्रेट कंप्यूटर साइंटिस्ट, एलन ट्यूरिंग ने 1950 के अंदर AI की एक डेफिनेशन दी थी, और वो डेफिनेशन ये थी कि ऐसी मशीन्स जो कि सोच सकती हूँ, जिनके पास सोचने की, थिंकिंग की कैपेबिलिटीज हो, उनको हम AI कहते हैं। अब अभी हम ये बहस नहीं कर रहे कि कितना सोच सकती हैं और कितना नहीं सोच सकती। ऐसी मशीन्स जिनके अंदर सोचने की कैपेबिलिटी हो, चाहे वो बहुत ही बेसिक लेवल पे हो, तो एलन ट्यूरिंग के अकॉर्डिंग वो एक AI मशीन्स होंगी या वो AI बेस्ड एप्लीकेशंस होंगी। एक और साइंटिस्ट हैं, जॉन मैकार्थी, इन्होंने 1956 के अंदर AI की डेफिनेशन दी, द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस कंसर्न्ड विद मेकिंग कंप्यूटर्स बिहेव लाइक ह्यूमंस, यानी ऐसी मशीन्स या ऐसे कंप्यूटर्स बनाना जो कि इंसानों की तरह बिहेव कर सके। अब बिहेव दो तरह के हो सकते हैं, मेंटल बिहेव भी हो सकता है और फिजिकल बिहेव भी हो सकता है। तो मेंटल बिहेव की बात तो हमें समझ आती है कि अगर कोई कंप्यूटर मेंटली इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कि एक इंसान बिहेव करता है, उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज या मेंटल थिंकिंग या उसकी लॉजिकल डिसीजन मेकिंग इस तरह से है जैसे एक इंसान
लॉजिकल डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, तो ये एक एआई है। फिजिकल के अंदर ये बात किस तरह से प्रूव होगी कि जैसे एक इंसान है उसके तमाम तर एक्शंस वो उसके ब्रेन के जरिए से कंट्रोल हो रही होती है। ईच एंड एवरीथिंग जो भी हम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कोई भी काम हम कर रहे हैं, कोई भी एक्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक्ट हमारे ब्रेन की वजह से कंट्रोल हो रहा है। इसी तरह से अगर हम कोई ऐसी मशीन या ऐसे कंप्यूटर्स बना दें जिनके तमाम तर एक्ट कंट्रोल हो रहे हों उनकी प्रोसेसिंग पावर की वजह से, यानी एट द एंड कंप्यूटर्स के एक्ट जिस तरह से हमारे एक्ट, हमारे जितने भी एक्शंस हैं वो सारे हमारे ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, इसी तरह से एट द एंड कंप्यूटर के जितने भी एक्शंस हैं, रोबोट्स के जितने भी एक्शंस हैं, वो भी सारे के सारे एक प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू कंट्रोल हो रहे होंगे, और उस प्रोसेसिंग यूनिट में भी क्या होगा, एक थिंकिंग कैपेबिलिटी होगी, एक मेंटल एबिलिटी होगी जिसकी बेस पर वो तमाम तर एक्शंस एक रोबोट के कंट्रोल हो रहे होंगे। तो इस केस में भी हम इसको एक एआई की डेफिनेशन के तौर पर समझ सकते हैं कि ऐसी मशीन्स जो कि इंसान की तरह मेंटली और फिजिकली बिहेव कर सकें, उन्हें हम कंप्यूटर साइंटिस्ट के एंगल से वो एआई मशीन्स होती हैं या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस होती हैं। एंड थर्ड डेफिनेशन दैट इज मार्वन मिंस्की, उनके अकॉर्डिंग ये है कि द साइंस ऑफ मेकिंग मशीन्स डू थिंग्स दैट वुड रिक्वायर इंटेलिजेंस इफ डन बाय मैन, कि ऐसी मशीन्स बनाना जिनको हम सिखा सकें, जिनको हम कुछ लर्न करवा सकें। जैसे इंसान है तो इंसान को हम बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं, उसके पास एक कैपेबिलिटी होती है, उसके पास एक ब्रेन पावर होती है जिससे हम उसे कुछ भी लर्न करवा सकते हैं एनवायरमेंट के थ्रू, एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट के थ्रू, या बुक्स के थ्रू, या वीडियोस के थ्रू, या लेक्चर्स के थ्रू हम एक इंसान को कुछ सिखा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एआई को भी इस काबिल बना दें कि वो अपने एनवायरमेंट से कुछ सीख सके, वो बुक्स के थ्रू कुछ सीख सके, वीडियोस को देख के सीख सके, अपने इनपुट्स के थ्रू लर्न कर सके, तो ये मशीन्स भी हमारी एआई मशीन्स होंगी और एआई एप्लीकेशंस होंगी। तो यहां तक तो बात आती है कंप्यूटर साइंटिस्ट के एंगल से एआई क्या होती है। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम एआई की बात करते हैं तो एआई स्टैंड्स फॉर नेचुरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नेचुरल इंटेलिजेंस की एक जिद है एक तरह की। तो अगर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें नेचुरल इंटेलिजेंस का पता होना चाहिए, कि नेचुरल इंटेलिजेंस जो कुदरती तौर पर हर इंसान के पास एक इंटेलिजेंस मिली हुई है उसे, और एक आईक्यू लेवल उसे मिला हुआ है, तो अगर हम उसे समझ लेते हैं, उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी समझना आसान हो जाएगा। अब एक इंसान को जो डिफरेंट इंटेलिजेंस मिली हुई है वो कौन कौन सी इंटेलिजेंस है। सबसे पहले इंटेलिजेंस उसकी वर्बल इंटेलिजेंस है, यानी मैं आपके सामने यहां बोल रहा हूं, तो अब इसमें मेरे इंटेलिजेंस का कोई ना कोई रोल है। मैंने एक पूरा प्लान किया हुआ है कि मैंने कौन सी स्टेटमेंट पहले बोलनी है, कौन सी स्टेटमेंट उसके बाद बोलनी है, कौन सी स्टेटमेंट उसके बाद, तो एक पूरा का पूरा लेक्चर प्लान मैंने किया हुआ है जिसको फॉलो करते हुए मैं आपके सामने बोल रहा हूं और आपके साथ वर्बली कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो ये होती है हमारी वर्बल इंटेलिजेंस जो कि एक इंसान के पास होती है। सेकेंड इंटेलिजेंस होती है दैट इज लॉजिकल इंटेलिजेंस, यानी मैं मैथमेटिकल के डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व करते होंगे, तो लॉजिकल और मैथमेटिकल के डिफरेंट प्रॉब्लम्स जब आप सॉल्व करते हैं या मैथमेटिक्स के डिफरेंट प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसमें भी आपकी इंटेलिजेंस का कोई ना कोई रोल होता है। तो ये जो इंटेलिजेंस होगी दैट इज द लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद हमारी एक विजुअल इंटेलिजेंस होती है, यानी जब हम किसी चीज को देख रहे होते हैं, इंसान कोई भी सीन देख रहा होता है या किसी भी पिक्चर को या वीडियो को या किसी भी रियल वर्ल्ड उसके सामने एक इन्वायरमेंट होता है या सीन होता है जिसको वो देख रहा होता है, तो उसमें भी उसकी कोई ना कोई इंटेलिजेंस का रोल होता है। वो उस सीन को इंटरप्रेट कर रहा होता है, उस सीन से कुछ सीख रहा होता है, उससे कुछ परसेप्शन ले रहा होता है, अखस कर रहा होता है उस जो कुछ वो देख रहा है अपनी आंखों से। तो उससे हर इंसान की परसेप्शन डिफरेंट होती है, एक तस्वीर को देखने वाले डिफरेंट लोग उनकी डिफरेंट परसेप्शन होती है। कुछ लोगों का एक तस्वीर के बारे में कुछ ख्याल होता है, कुछ लोगों का दूसरा ख्याल होता है। तो ये जो परसेप्शन है जो डिफरेंट बन रही है, तो इसमें भी इंसान का कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस का रोल है। तो ये जो इंटेलिजेंस होती है
इसे हम विजुअल इंटेलिजेंस कहते हैं कि हम किसी चीज को देख के जो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो उसमें जो हमारी इंटेलिजेंस का रोल है दैट इज द विजुअल इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद हमारी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस आती है, यानी हम एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये सारे जो हमारे एक्शंस हैं इनके अंदर भी हमारी इंटेलिजेंस का रोल है। रोल कैसे है? क्योंकि ये सारे एक्शंस हमारे ब्रेन के नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, तो हमारे ब्रेन इसके अंदर किसी ना किसी तरह से परफॉर्म कर रहा है। जैसे मैं आपके सामने बोलने के साथ साथ डिफरेंट जेस्चर्स भी यूज कर रहा हूँ, मैं अपने हाथों को मूव कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे मेरे ब्रेन के अंदर एक प्रोसेस चल रहा है जो कि मुझे ये गाइड कर रहा है कि मैंने किस तरह से डिफरेंट एक्शंस और जेस्चर्स को परफॉर्म करते हुए अपने कंसेप्ट को मजीद एलैबोरेट करना है। तो ये होती है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। एंड देन म्यूजिकल इंटेलिजेंस आती है, हम किस चीज को सुन रहे होते हैं, तो जो कुछ हम सुन रहे होते हैं उससे हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप जब ये सुन रहे होंगे तो आपके माइंड के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर एक एआई का कंसेप्ट डेवलप हो रहा होगा। जो कुछ आप सुन रहे हैं या जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे सुन के एक एआई का कंसेप्ट आपके माइंड में डेवलप होगा। आप एआई की एक परसेप्शन बना रहे होंगे, उसकी एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होंगे आप जो कुछ आप सुन रहे हैं उससे। तो इस तरह के इंटेलिजेंस को हम कहते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिससे हम सुन के किसी चीजों को सीख रहे होते हैं। देन फिर और इंटेलिजेंस होती है, दैट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसमें हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, सोशल से, दोस्तों से इंटरेक्ट करने का तरीकाकार डिफरेंट होता है, पेरेंट्स के साथ हम डिफरेंट तरह से इंटरेक्ट करते हैं, अपने कोलिग्स के साथ डिफरेंट तरह से इंटरेक्ट करते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ डिफरेंट तरह से इंटरेक्ट करते हैं, और दूसरों के साथ, हर एक इंसान के साथ जब भी हम मिलते हैं तो उसके साथ हमारा बिहेव चेंज होता है, ठीक है। तो दैट इज द इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। एंड दैट इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, हर इंसान के पास कुछ इंट्रापर्सनल स्किल्स होती हैं, तो उसके अंदर जो उसकी इंटेलिजेंस का रोल होता है दैट इज द इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो ये डिफरेंट तरह की हमारे पास इंटेलिजेंस है जो कि एक ह्यूमन परस्पेक्टिव से हो सकती है, कि कौन कौन से डिफरेंट एंगल्स हैं जिनके थ्रू इंसान के पास इंटेलिजेंस के डिफरेंट टाइप्स हैं या कैटेगरीज आप इनको समझ सकते हैं। तो ये कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंस हैं जो कि इंसान के ब्रेन के अंदर या इंसान की इंटेलिजेंस के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर वो परफॉर्म कर रहा होता। अच्छा, जब हम एआई पे आते हैं, तो जैसे ही हम एआई की बात करते हैं, तो एआई के अंदर हमने एक नेचुरल इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना है, यानी हमने हमारे पास नेचुरल इंटेलिजेंस जो हमारे पास ह्यूमन ब्रेन्स की कैपेबिलिटीज हैं, हमने उन कैपेबिलिटीज को कंप्यूटर के अंदर मैप करना है। हम चाहते हैं कि जैसे एक इंसान सोचता है, जैसे एक इंसान का विजन है, यानी जिसे वो देखकर इंटेलिजेंस परफॉर्म करता है, सुन के इंटेलिजेंस परफॉर्म करता है, और वो चीजों के एक्शन से काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस परफॉर्म करता है, या इंसान चीजों को पढ़ के अंडरस्टैंड करता है, तो इंसान की जो मेंटल कैपेबिलिटीज हैं वो कंप्यूटर के अंदर किसी तरह से आ जाए। तो इन मेंटल कैपेबिलिटीज के लिए कुछ चीजें हैं जिनका हमें नॉलेज होना चाहिए, कुछ चीजों का बैकग्राउंड हमें बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए अगर हम किसी भी इंसान की इंटेलिजेंस को, नेचुरल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर के अंदर मैप करना चाहते हैं। अब तमाम तरह इंटेलिजेंस जो कि इंसान को मिली है, वो सारी की सारी इंटेलिजेंस इस लेवल पर कंप्यूटर में मैप नहीं हो सकती, लेकिन हम उसको कुछ ना कुछ परसेंटेज के अंदर कंप्यूटर में मैप कर सकते हैं। और कितनी परसेंटेज कंप्यूटर में मैप कर सकते हैं, यानी किस लेवल की इंटेलिजेंस और किस पर्सपेक्टिव की और किस एंगल की इंटेलिजेंस हम कंप्यूटर के अंदर लेके आ सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे स्किल्स के ऊपर, ये डिपेंड करता है हमारे रिसोर्सेज के ऊपर, और ये डिपेंड करता है हमारी रिसर्च के ऊपर कि हम किस तरह से कंप्यूटर और इंसान इन दोनों को आपस में एक दूसरे के करीब कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जब एआई के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो कुछ चीजें हैं ऐसी जिनका हमें बेसिक नॉलेज लाजमी होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आ जाता है कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस इसलिए जरूरी है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है। तो जब तक हमें कंप्यूटर साइंस का बेसिक नॉलेज नहीं होगा और हमें कंप्यूटर साइंस की टर्मिनोलॉजीज का नहीं पता होगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना हमारे लिए
मुश्किल हो जाएगा। तो कंप्यूटर साइंस का बेसिक नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। देन फिर ब्रेन साइंस, हमारा ब्रेन किस तरह से वर्क करता है, हमारे पास कौन कौन सी डिफरेंट इंटेलिजेंस के लेवल हैं जो कि हमारा ब्रेन परफॉर्म कर रहा होता है, जिसमें से अभी हमने डिफरेंट इंटेलिजेंस के लेवल की बात भी की थी, तो इसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। देन हमें कॉग्निटिव साइंस का नॉलेज होना चाहिए कि हमारे ब्रेन के अंदर डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं जिनके बेस के ऊपर हम डिफरेंट एक्ट्स करते हैं, उन प्रोसेसेस की नेचर क्या है, इसका हमें नॉलेज होना चाहिए। देन हमें साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए कि हमारे पास हमारे ब्रेन की जो एक साइकोलॉजी है उसके डिफरेंट प्रोसेस जो हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। कॉग्निटिव साइंस में उन प्रोसेस की नेचर को स्टडी किया जाता है और साइकोलॉजी में उन प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है कि हमारे ब्रेन के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिसकी बेस पर हम डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो हमें साइकोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए। देन हमें कुछ लिंग्विस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए कि लिंग्विस्टिक AI के पर्सपेक्टिव से लिंग्विस्टिक क्या चीज है, यानी हमने एक AI को सिखाना है तो किस लैंग्वेज का हम यूज करेंगे, कौन सी लैंग्वेज में एक AI को हमारी बात समझ आएगी। देन लॉजिक बिल्डिंग हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि कौन कौन सी लॉजिक्स के थ्रू जो हमारे लॉजिकल इंटेलिजेंस है हमारे माइंड में, हम वो लॉजिकल इंटेलिजेंस कंप्यूटर को किस तरह से सिखा सकते हैं। देन फिलोसफी, हमें कुछ फिलोसफी का नॉलेज भी होना चाहिए ताकि हम उसको AI के अंदर मैप कर सकें। तो ये तो एक डायग्राम थी जिसमें हमने ये देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टडी करने के लिए, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए कौन कौन से बैकग्राउंड नॉलेजेस हमारे लिए जरूरी है। देन फिर ये आगे कुछ फील्ड्स हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ सब डोमेन्स हैं, कुछ ऐसी डोमेन्स हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब डोमेन्स होंगी और कुछ ऐसी डोमेन्स हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी हद तक मैच कर रही होंगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें, इनको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे और स्टडी भी करेंगे कि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सब डोमेन है। और अगर हम न्यूरो कंप्यूटिंग की बात करें तो न्यूरो कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ओवरलैपिंग डोमेन है। पैटर्न रिकग्निशन, स्टैटिस्टिक्स, KDD, नॉलेज डिस्कवरी एंड डेटाबेसिस, ये सारी के सारी ऐसी डोमेन्स हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओवरलैप कर रही हैं। तो जैसे जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तो हमें इन डोमेन्स का नॉलेज होगा। इनमें से कुछ डोमेन्स होंगी जो कि प्योरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिलोंग करती होंगी, यानी उनका सबसेट होंगी, और कुछ डोमेन्स होंगी जो कि कुछ हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिलोंग कर रही होंगी, किसी पॉइंट पर जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो बिलोंग कर रही होंगी। तो वो वाले सारे डोमेन्स क्या होती हैं, वो जैसे जैसे आप आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस और इसके डिफरेंट डिटेल्स को स्टडी करेंगे वो आस्ता आस्ता आपको नॉलेज होता जाएगा। देन फिर हम बात करते हैं अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में मैंने आपको बताई थी कि ऐसे कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक डेफिनेशन ये भी थी कि ऐसे कंप्यूटर्स बनाना जो कंप्यूटर्स जिनको हम सिखा सकें, जिनको हम लर्न करवा सके। तो इंसान को तो हम लर्न करवाने के लिए जो हमारे पास एक प्रोसेस है कि हम इंसान को डिफरेंट तरीकों से लर्न करवा सकते हैं, हम उसको कुछ वीडियोस दिखा के लर्न करवा सकते हैं, उसको कुछ बुक्स पढ़ा के लर्न करवा सकते हैं, उसको सुना के कुछ चीज लर्न करवा सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके हैं जिनसे हम इंसान को सिखा सकते हैं। अब एक मशीन को सिखाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो एक मशीन को सिखाने के लिए हमारे पास जो एक तरीके हैं उनमें से एक सबसे पहला तरीका है, दैट इज द मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम एक मशीन को सिखाते हैं, क्योंकि कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई भी ह्यूमन इंटेलिजेंस, कोई भी इंसान किसी भी वक्त तक परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक कि उसने कुछ सीखा ना हो। यानी मैं यहां पर आपके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहा हूं और इसका फर्स्ट लेक्चर आपके साथ हो रहा है, तो इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले जो कुछ मैंने आपको पढ़ाना है या आपको सिखाना है ये सब कुछ मैंने खुद सीखा हो। अगर ये चीजें मैंने खुद नहीं सीखी होंगी तो मैं कभी आपको नहीं सिखा सकता। इसी तरह हर इंसान का है कि कोई भी इंसान किसी भी तरह से किसी भी इन्वायरमेंट में परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक के उसने उस एनवायरनमेंट के बारे में तमाम तर चीजें सीखी ना हो। ठीक है, कोई भी काम वो परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक कि उसने उस काम को सीखा ना हो। तो इसी तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तब तक कोई काम भी नहीं कर सकता जब तक कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने कुछ सिखाया ना हो। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखाने के
दो तरीके हैं और ये दोनों तरीके ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब डोमेन के अंदर आते हैं। तो इसमें पहला तरीका है दैट इज द मशीन लर्निंग। एक मशीन लर्निंग एक वे है जिसके थ्रू हम स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल फार्मूलाज को यूज करते हुए एक मशीन को सिखाते हैं, उसको सिखाते हैं डाटा के बारे में, ठीक है, उसको सिखाते हैं कि किस तरह से उसने प्रोसेसिंग करनी है, उसको सिखाते हैं कि किस तरह से उसने रिस्पॉन्स देना है। तो ये सारी चीजें उसे सिखाते हैं और उसकी एक सब डोमेन है दैट इज द डीप लर्निंग। डीप लर्निंग भी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको यूज करते हुए हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखाते हैं कि उसने किस तरह से रियल लाइफ के अंदर परफॉर्म करना है और उसने किस तरह से अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए रियल लाइफ के अंदर कोई ना कोई टास्क या कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना है। तो इन तरीकों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और स्टडी भी करेंगे कि व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाट आर द डिफरेंट केस स्टडीज ऑफ मशीन लर्निंग, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या है, और डीप लर्निंग को भी हम इस कोर्स के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एआई मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो एआई मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में एक बड़ा सिंपल सा रिलेशनशिप है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी भी सिनेरियो में, किसी भी एनवायरनमेंट में परफॉर्म करवाने के लिए उसको सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये दोनों एआई को सिखाने के तरीके हैं। जब तक मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग किसी तरीके से एआई को सिखाया नहीं जाएगा तब तक एआई हमारे लिए बिल्कुल बेकार है और वो किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी रियल वर्ल्ड सिनेरियो में परफॉर्म नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद हम कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं कि एआई के अंदर, एआई को यूज करते हुए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब एआई के अंदर सबसे पहले एक हायरार्की आपके सामने यहाँ नजर आ रही है। इस हायरार्की में सबसे पहले लेवल पे हमारी एप्लीकेशन होती है, जो भी हमारी एप्लीकेशन चल रही है, चाहे वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है, चाहे वो एक वेब एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन के अंदर एक एल्गोरिदम, जो हमारा एआई बेस्ड एल्गोरिदम होता है, वो उस एप्लीकेशन के अंदर रन हो रहा होता है और यही वो एल्गोरिदम होता है जिसकी बेस पर हमारी एआई परफॉर्म कर रही होती है। देन वो एल्गोरिदम किसी ना किसी डिवाइस पे चल रहा होता है, वो कोई ना कोई डिवाइस होती है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, और उस डिवाइस के अंदर एक प्रोसेसिंग चिप होती है, एक चिप होती है जिसके अंदर सारी की सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है, और उस चिप के बैकएंड पे कोई ना कोई प्रोसेसर लगा होता है, वो किसी भी कंपनी का हो सकता है, इंटेल का, एनवीडिया का। तो इस तरह की इसकी एक पूरी हायरार्की होती है, ठीक है। एंड देन ये आपके सामने एक डिफरेंट, जैसे कह लें एक कनेक्शन बना हुआ है कि व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ एल्गोरिदम, एप्लीकेशन, चिप्स, डिवाइस एंड प्रोसेस, इनका आपस में क्या क्या कनेक्शन होता है और इनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो मैंने ये आपको एक सिंपल हायरार्की अंडर समझा दी कि किस तरह से हायरार्की होती है, कि सबसे अपर लेवल पे एप्लीकेशन है, देन उस एप्लीकेशन के अंदर एक एआई एल्गोरिदम है, वो एआई एल्गोरिदम रन कर रहा है किसी ना किसी डिवाइस पे, वो डिवाइस के अंदर एक प्रोसेसिंग चिप लगी हुई है और उस चिप के अंदर किसी ना किसी कंपनी का प्रोसेसर लगा हुआ है। तो प्रोसेसर के ऊपर चिप और चिप किसी डिवाइस में लगी है, डिवाइस के ऊपर एल्गोरिदम रन कर रहा है और एल्गोरिदम के रन करने से जो हमारा रिजल्ट है और हमारा रिस्पॉन्स है वो एक एप्लीकेशन में आ रहा है। तो इस तरह से इसकी हायरार्की होती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एआई, कि एआई की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो अगर हम एआई की टाइप्स की बात करें तो दो तरह की हमारे पास एआईज होती हैं, एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एआई और दूसरा होता है हमारे पास वीक एआई। स्ट्रॉन्ग एआई की अगर हम बात करें तो ऐसी एआई जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के इक्विवेलेंट हो गई है या ह्यूमन इंटेलिजेंस से एक्सीड कर गई है, ऐसी एआई को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एआई। तो अभी तक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक अभी तक कोई ऐसा एआई नहीं बनाया जा सका, कोई ऐसा रोबोट या सॉफ्टवेयर नहीं बनाया जा सकता जो कि तमाम तर ह्यूमन पर्सपेक्टिव को कवर कर ले, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस को मुकम्मल तौर पर मैप कर ले या ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे निकल जाए, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी से आगे निकल जाए। तो आज तक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बन सका। जितने भी सॉफ्टवेयर, जितने भी एआई इस टाइम पर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सारे के सारे किसी ना किसी एक पर्सपेक्टिव से, एक एंगल से ह्यूमन इंटेलिजेंस के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे वीक एआई में आ जाते हैं। तो हमारा वो एआई जो कि किसी एक पर्सपेक्टिव या किसी एक एंगल से हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा हो इन कंप्यूटर, तो उसे हम वीक एआई कहते हैं। अब उसके बाद हम सब फील्ड्स की बात कर लेते हैं कि एआई के अंदर कौन कौन से सब फील्ड्स हैं।
तो इसके अंदर ये जितनी भी सब फील्ड्स हैं हम इनको डिटेल में आके जाके स्टडी करेंगे। तो ये है कि सब फील्ड्स में सबसे पहले कंप्यूटर विजन आ जाती है, इसके अंदर एक्सटेंसिवली काम हो रहा है। आपको याद होगा मैंने एक चीज आपको बताई थी, विजुअल इंटेलिजेंस, कि इंसान किसी चीज को देख के अंडरस्टैंड कर रहा होता है। तो अगर हम कंप्यूटर को भी इस काबिल बना दें कि कंप्यूटर चीजों को देख के अंडरस्टैंड करे, देख के अपनी परसेप्शन बनाए, तो दैट फील्ड विल बी द कंप्यूटर विजन। उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसमें हमारे पास जो फील्ड होती है, कंप्यूटर किसी चीज को पढ़ के अंडरस्टैंड कर रहा होता है, बुक रीडिंग के थ्रू, टेक्स्ट रीडिंग के थ्रू अंडरस्टैंड कर रहा होता है, तो ये फिर इस चीज में आ जाता है। फिर उसके बाद स्पीच प्रोसेसिंग, कंप्यूटर किसी चीज को सुन के अंडरस्टैंड कर रहा होता है। देन मशीन लर्निंग के ऊपर हम बात कर चुके हैं। डाटा माइनिंग मीन्स के डाटा के अंदर से जरूरी इंसाइट्स निकालना, और डाटा के अंदर से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि डाटा के अंदर छुपी हुई है जिससे हम आगे बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं, ये डाटा माइनिंग कहलाती है। देन नॉलेज इंजीनियरिंग के हमारे पास एक बल्क के अंदर नॉलेज है, उस नॉलेज के अंदर से टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन जो कि हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है वो निकालना, दैट इज द नॉलेज इंजीनियरिंग। तो ये सारे के सारे फील्ड्स किसी ना किसी तरह एआई से रिलेटेड हैं। इन सारे के एआई को बनाने के लिए, एआई को प्रिपेयर करने के लिए, एआई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें ये तमाम फील्ड्स का हाउ नाउ होना जरूरी है। देन हमें रोबोटिक्स का पता होना जरूरी है, हमें कंप्यूटर ग्राफिक्स का पता होना जरूरी है, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन क्या होती है इसका पता होना जरूरी है। देन डेटाबेस टेक्नोलॉजीज, क्योंकि एआई ने जितना भी कुछ सीखना है वो किसी ना किसी डाटा से सीखना है, तो डाटा को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, हमें इस टेक्नोलॉजी का भी हाउ नाउ होना जरूरी है। देन डाटा की विजुअलाइजेशन, ग्राफ्स किस तरह से बनाए जाएंगे डाटा में, इस चीज का भी हमें हाउ नाउ होना जरूरी है। एंड देन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम और रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे बनाए जाते हैं, इस चीज का भी हमें नॉलेज होना जरूरी है। और इसको हम आगे जाके देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड रिकमेंडेशन सिस्टम, के अपनी डेली लाइफ में कहां कहां हम इसे यूज कर रहे होते हैं। अब उसके बाद हम टेक्निकल फील्ड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ एआई के ऊपर बात करते हैं। तो ये यहाँ पर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ एआई हैं जिनको हम यूज भी कर रहे हैं और जिनसे हम फायदा भी उठा रहे हैं। हम एआई को अपने फाइनेंस के अंदर यूज कर रहे हैं, हम एआई को स्मार्ट एजुकेशन में यूज कर रहे हैं, हम उसे हेल्थ केयर के अंदर यूज कर रहे हैं। डिफरेंट तरह के रोबोट्स हैं जहां पर वो रोबोट्स, एक एआई उन रोबोट्स के अंदर इंस्टॉल हुआ है और वो रोबोट्स ऑटोमेटिकली सारे काम कर रहे होते हैं। जैसे एक बड़ी ही सिंपल एग्जाम्पल है आईसीयू की, जो केयर यूनिट होता है, तो वो एक पेशेंट के तमाम तर हार्ट बीट्स और उसके तमाम तर कंडीशंस को देखते हुए उसके ऑक्सीजन और उसका तमाम तर जो चीजें हैं एनवायरनमेंट को मैनेज कर रहा होता है। तो वो भी हम किसी ना किसी तरह से एआई की एग्जांपल को समझ सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट सिटीज में इस्तेमाल हो रहा है, डिजिटल गवर्नमेंट में और ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यानी एक ड्राइवर, एक कार के अंदर एक ऑटो ड्राइवर है जो कि ऑटोमेटिकली उस कार को पार्किंग करता है, उस कार को ड्राइव करता है, और ड्राइवर के उसमें किसी किस्म का कोई रोल नहीं है। ड्राइवर आराम से अपनी सीट पर डेस्टिनेशन सेट करके बैठ जाता है और उस कार के अंदर डिफरेंट जो कैमरास हैं और उस कार के अंदर जो डिफरेंट सेंसर लगे हैं उसकी बेस पर एक एआई रोबोट उस पूरे की पूरी कार को कंट्रोल करते हुए सोर्स से डेस्टिनेशन तक उस कार को पहुंचाकर उसको पार्किंग लगा देता है, और जहां तक भी उस मुसाफिर ने, उस ट्रैवलर ने जाना है, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। तो ये सारे के सारी एआई की एप्लीकेशन होती है। देन फिर आगे हमने अभी डिस्कस किया कि कंप्यूटर विजन जब देख के अंडरस्टैंड करता है, यानी कोई भी चीज देख के जब अंडरस्टैंड की जा रही है उसे हम कंप्यूटर विजन कहेंगे। ये चीज एक्सटेंसिवली इसमें काम किया जा रहा है एआई के अंदर। देन फिर हम बात करते हैं स्पीच प्रोसेसिंग की, कि जब कंप्यूटर किसी चीज को सुन के अंडरस्टैंड कर रहा है, जैसे इंसान सुन के अंडरस्टैंड कर रहा होता है उसकी एक इंटेलिजेंस होती है, ऐसे कंप्यूटर अगर सुन के अंडरस्टैंड कर रहा है तो उसकी जो इंटेलिजेंस है दैट इज द स्पीच प्रोसेसिंग। उसके बाद अगर कंप्यूटर टेक्स्ट को पढ़ के अंडरस्टैंड कर रहा है, हम भी बुक्स पढ़ के अंडरस्टैंड करते हैं, तो अगर कंप्यूटर बुक्स को पढ़ के अंडरस्टैंड कर रहा है दैट इज द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये तीन फील्ड्स यहाँ पर डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तीन फील्ड्स ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली काम हो रहा है। कंप्यूटर विजन के अंदर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली काम हो रहा है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस इसके बेस के ऊपर बनाई जा रही हैं। स्पीच प्रोसेसिंग के अंदर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली काम हो रहा है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली काम हो रहा है। तो ये तीन फील्ड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा टॉप के ऊपर हैं, जिनके अंदर एआई के बेस पर काम हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने कंप्यूटर विजन की कुछ एप्लीकेशंस को देख लेते हैं कि कंप्यूटर विजन की फील्ड के अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, कंप्यूटर विजन को यूज करते हुए कौन कौन सी एप्लीकेशंस बनाई जा रही हैं और
स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन कौन सी एप्लीकेशन हैं जहां पर कंप्यूटर विजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आपके सामने एक ट्रैफिक एनालिसिस की इमेज है, इसके अंदर एक मॉल है, उस मॉल के अंदर शॉपिंग मॉल में एक कैमरा फिट हुआ है और उस कैमरा के अंदर एक AI इंस्टॉल्ड है। वो AI क्या कर रहा है कि जितने भी शॉपिंग मॉल में आने वाले लोग हैं उनको फेस की बेस पर रिकॉग्नाइज कर रहा है और उनका एज ग्रुप और जेंडर बता रहा है, यानी वो बता रहा है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन का क्या जेंडर है, कि वो मेल है या फीमेल, और उसका एज ग्रुप भी बता रहा है कि उसका एज ग्रुप क्या है, कि वो टीनएजर्स है, ओल्ड पर्सन में है या वो चिल्ड्रन है। तो इस बेस की एप्लीकेशन डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स में इस्तेमाल हो रही होती हैं और इन एप्लीकेशन का फायदा ये होता है कि इस तरह के एप्लीकेशन के थ्रू एक बिजनेस एनालिस्ट ये पता लगा सकते हैं या इन एप्लीकेशन के थ्रू ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनके शॉपिंग मॉल्स में आने वाले जो लोग हैं उनमें से किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा हैं और किस जेंडर के लोग ज्यादा हैं। अगर एक शॉपिंग मॉल के ओनर को इस बात का पता होगा कि उसके शॉपिंग मॉल में आने वाले ज्यादा फीमेल्स हैं और टीनएजर्स ग्रुप की हैं, तो वो इसी चीज को देखते हुए वो अपने शॉपिंग मॉल में जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स रखेगा वो उसी बेस पर रखेगा कि जो प्रोडक्ट्स फीमेल यूज करती हैं या जो प्रोडक्ट्स फीमेल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं और टीनएजर के ग्रुप्स की फीमेल्स इस्तेमाल करती हैं, उन प्रोडक्ट्स को वो अपने शॉपिंग मॉल में रखेगा। और अगर मेल की बात करें तो मेल में जो प्रोडक्ट्स वो यूज करते हैं तो उन प्रोडक्ट्स को शॉपिंग मॉल में एज कंपेयर टू फीमेल के निस्बत कम स्टॉक में रखा जाएगा, ताकि जो लोग आने वाले हैं ठीक है उनकी रेशो क्या है उसकी बेस पर हमारे पास प्रोडक्ट का भी उतना ही स्टॉक हो। तो इस तरह के हम बिजनेस एनालिस्ट डिसीजंस या बिजनेस डिसीजंस इस तरह के हम इन एप्लीकेशन के बेस पर कर सकते हैं, ठीक है। देन फिर एक इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस सिस्टम, यानी एक कंपनी है या एक ऑफिस है उसके अंदर हमने रिकॉग्नाइज करना है कि आने वाला जो इंसान है क्या वो कंपनी का एम्प्लॉय है या वो कोई अननोन पर्सन है। तो उसकी एक फेस अटेंडेंस सिस्टम कंपनी के बाहर या रूम के बाहर एक लगा होता है, उसकी बेस पर उसका फेस रिकॉग्नाइज किया जाता है और फिर बता दिया जाता है कि वो कंपनी का एम्प्लॉय है या वो एक अननोन पर्सन है। अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय होगा तो वो रूम का या ऑफिस जो है उसका डोर ओपन कर देगा, और अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है कोई अननोन है तो वो डोर को लॉक रखेगा। तो यहाँ कुछ सिक्योरिटी एप्लीकेशंस के अंदर भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। देन कंप्यूटर विजन की और भी डिफरेंट एप्लीकेशंस है, जैसे एक्शन एनालिसिस कि किसी एक जगह कुछ लोडिंग हो रही है तो ये देखना कि कितने पैकेजेस लोड हो चुके हैं और कितने पैकेजेस रहते हैं, क्या दरमियान में कुछ पैकेजेस कहीं गायब तो नहीं कर ली गए। तो इस चीजों के एक्शन एनालिसिस को भी हम कंप्यूटर विजन के एप्लीकेशंस में कंट्रोल कर सकते हैं। देन फेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर अभी हम बात कर चुके हैं कि फेस की ऑथेंटिसिटी की बेस पर ये देखना कि कौन सा हमारा ऑथेंटिकेटेड एम्प्लॉय है या कौन सा एक अननोन पर्सन है। देन फिर स्मार्ट एल्बम्स की हमारे पास एप्लीकेशन आती है कि डिफरेंट मोबाइल्स के अंदर जब हम डिफरेंट इमेजेस उससे एक मोबाइल से हम डिफरेंट इमेजेस लेते हैं तो उनके एक स्मार्ट एल्बम बना देता है कि एक जैसी कैटेगरीज की इमेजेस को एक एल्बम के अंदर स्टोर करवा देता है। देन फिर इमेज सर्च की आती है कि गूगल के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हम जो एज है उसके अंदर हम एक इमेज अपलोड करते हैं तो उस इमेज की बेस के ऊपर सर्च करना शुरू कर देता है और हमारे पास इंटरनेट से डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक निकाल के दे देता है। तो ये भी कंप्यूटर विजन की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद वॉइस प्रोसेसिंग की डिफरेंट एप्लीकेशंस आती हैं। आपके पास एप्पल सीरी के नाम से एक बहुत मशहूर एप्लीकेशन है जो कि एप्पल के मोबाइल्स में होती है और आपकी वॉइस के थ्रू वो पूरे के पूरे एप्पल को कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह गूगल असिस्टेंट है, आप वॉइस के थ्रू उससे बात करें तो जो भी आप वॉइस के थ्रू उसे बताते हैं तो वो आपके वॉइस को कन्वर्ट करता है टेक्स्ट में और उसी की बेस पर गूगल के ऊपर वो रिसर्च करना शुरू कर देता है और आपको रिलेटेड लिंक्स वेबसाइट्स के निकाल के दे देता है। इसी तरह से गूगल मैप है, गूगल मैप के अंदर भी आप कहीं जा रहे हो तो एक वॉइस असिस्टेंट होता है जो कि आप से बात कर रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि इतने डिस्टेंस पर जाकर आपने लेफ्ट टर्न लेना है या राइट टर्न लेना है। तो ये भी एक स्पीच प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन होती है। देन आगे स्पीच प्रोसेसिंग की डिफरेंट एप्लीकेशंस हम ऑनलाइन मीटिंग्स में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक बॉस है, उसने मीटिंग करनी है तो अब सामने मीटिंग करने वाले उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है और जो बॉस है उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो अगर उसने अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करवाना है तो दरमियान में एक AI होता है जो कि उसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके और सामने जो ऑनलाइन है लोग उनको उनकी लैंग्वेज में बता रहा होता है।
तो उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू फ्रेंच ट्रांसलेशन, इस तरह की डिफरेंट ट्रांसलेशन एआई को हम यूज कर रहे होते हैं, जो कि हमारी वॉइस को ट्रांसलेट करके आगे सुनने वाले लोगों को उसी लैंग्वेज में बता रहे होते हैं जिस लैंग्वेज में जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है और जिस लैंग्वेज में वो सुनना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ इंटेलिजेंट एजुकेशन है कि हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो कि बोल के और माइक के थ्रू हमें किसी भी बुक को पढ़ के बता रही होती हैं या हमें कोई कंसेप्ट समझा रही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉइस प्रोसेसिंग एप्लीकेशन डिफरेंट फील्ड्स के अंदर और एआई के अंदर हमारे पास ये रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल हो रही होती है। देन फिर एनएलपी की हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन आती हैं। एनएलपी में हमारे पास किसी ना किसी टेक्स्ट को वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है। तो अगर हमारे पास एक सोशल मीडिया वेबसाइट है तो सोशल मीडिया वेबसाइट के अंदर डिफरेंट लोग अपने कॉमेंट्स करते हैं, अपने व्यूज देते हैं, अपनी सजेशंस देते हैं, उसमें से ये एनालिसिस करना कि कितने लोगों के पॉजिटिव कमेंट आए, कितने लोगों के नेगेटिव कमेंट आए और कितने लोगों के न्यूट्रल कमेंट थे। तो ये सारा काम एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हम एक एआई का इस्तेमाल करते हैं, एक एनएलपी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे तमाम तर कमेंट्स को एनालाइज करके ये बता बता देता है कि हमारे कितने पॉजिटिव कमेंट थे हमारे इस वीडियो के ऊपर या इस एप्लीकेशन पर, कितने पॉजिटिव फीडबैक्स थे, कितने नेगेटिव फीडबैक्स थे और कितने न्यूट्रल फीडबैक्स थे। उसी फीडबैक्स की बेस पर, उसी रिपोर्ट की बेस पर हम अपनी एप्लीकेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं या उसके अंदर जो चीजें, जो कमी कोताही रह गई है उनको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा इवेलुएशन एनालिसिस आता है कि हमारे डिफरेंट चैटबॉट्स हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे होते हैं, टेक्स्ट की बेस पर हम उन्हें कुछ क्यूरी देते हैं और वो हमें रिस्पॉन्स करते हैं और उसी के बेस पर वो हमारे कुछ इवेलुएशन कर रहे होते हैं कि हमारा साइकोलॉजिकल ऑर्डर किस तरह का है। यानी कुछ साइकोलॉजिकल बॉट होते हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे होते हैं, हम उन्हें क्यूरियस देते हैं, वो हमसे क्वेश्चंस करते हैं और हम उन्हें आंसर देते हैं, या हम उनसे क्वेश्चन करते हैं वो हमें आंसर देते हैं। ये दोनों इंटरेक्शन की बेस पे, ह्यूमन एंड कंप्यूटर इंटरेक्शन की बेस पर वो फिर एट द एंड हमें बता देते हैं कि हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर किस लेवल का है, कितना है और किस टाइप का है। उसकी बेस पर वो हमें सजेशंस भी देते हैं कि हमें क्या क्या डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए इसके लिए, किस टाइम सोना चाहिए, किस टाइम उठना चाहिए, इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि हमारे साइकोलॉजिकल ऑर्डर को बेहतर कर सकती हैं, हमें एक नॉर्मल इंसान बना सकती हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सारे भी हम एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एप्लीकेशन में आती हैं। देन फिर यहाँ पर हमारे पास वर्ड टैगिंग आ जाता है कि अगर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ में हम ये जानना चाहते हैं कि ये पैराग्राफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा बात हुई है। इसे हम नॉर्मली वर्ड क्लाउड भी कहते हैं कि अगर हमारे पास थाउजेंड ऑफ न्यूज़पेपर्स हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि थाउजेंड ऑफ न्यूज़पेपर्स में कौन से ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा बात की गई है या बहुत ज्यादा उनको तमाम न्यूज़पेपर्स के अंदर डिस्कस किया गया है। जैसे कल आजकल जो फलस्तीन का और एक जो उसके अंदर एक वार का टॉपिक है वो बहुत ज्यादा एक हॉट टॉपिक है, तमाम तर न्यूज के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर वो एक टॉपिक है। तो अगर हमारे पास एक थाउजेंड्स या बल्क में न्यूज़पेपर्स, न्यूज फीड्स हों, उनके अंदर से हम वो सारे के सारे टेक्स्ट को पढ़ने के बाद ये पता लगाएंगे कि अच्छा ये वाला टॉपिक है जो कि सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा न्यूज है और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बात की गई है। ये सारी चीजों से हम एक एनएलपी एप्लीकेशन के थ्रू हम इन तमाम चीजों का एनालिसिस विद इन सेकेंड्स करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सा वर्ड या कौन कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये तमाम तर बल्क ऑफ न्यूज में या तमाम तर न्यूज पेपर्स में। ठीक है, देन हमारे पास मशीन ट्रांसलेशन आती है, गूगल ट्रांसलेटर हमारे पास है, वर्ड इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, उर्दू टू फ्रेंच ट्रांसलेशन, अरेबिक टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, डिफरेंट तरह के ट्रांसलेटर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो ये भी हमारे पास एनएलपी की एप्लीकेशन में आते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। देन फिर हमारे पास कुछ इंटेलिजेंट हेल्थ केयर है, हमारे पास कुछ मेडिसिन माइनिंग के बोर्ड्स होते हैं, हेल्थ मैनेजमेंट के कुछ रोबोट्स होते हैं जो कि हमें बता रहे होते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हमारे पास कुछ रोबोट्स या चैटबॉट्स होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, देन वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं, एंड मेडिकल इमेजिंग के अंदर इस्तेमाल हो सकता है कि हमारे पास कोई इमेज है, उस इमेज के अंदर अगर हमने एनालिसिस करना है कि एक्सरे के अंदर यहाँ पर बोन फ्रैक्चर है या नहीं, तो वहां पर भी हम इसे यूज कर रहे होते हैं कंप्यूटर विजन को। उसके बाद असिस्टेंट ऑफ डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट, हमारे पास कुछ डायग्नोस्टिक रोबोट्स होते हैं जो कि एक्सरेज लेकर पेशेंट का उसके तमाम तर बोन्स हैं उनके फ्रैक्चर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं और फिर उसके पूरी रिपोर्ट जनरेट कर रहे होते हैं। तो हेल्थ केयर के अंदर भी चाहे एनएलपी हो, चाहे हमारे पास स्पीच प्रोसेसिंग हो, चाहे हमारे पास कंप्यूटर विजन हो, हेल्थ केयर के अंदर भी इन तीनों फील्ड से रिलेटेड बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं।
अच्छा, तो जैसे हमने ये बात की कि हमारे पास सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के अंदर कंप्यूटर विजन, एनएलपी और स्पीच प्रोसेसिंग, ये तीनों फील्ड्स, इनकी एप्लीकेशंस हमारे पास सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सिस्टम में इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो ये आपके सामने एक इमेज दिखाई गई, ये एक एप्लीकेशन है कि एक कैमरा एक जगह पर एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है और वहां पर कुछ लोगों का आपस में झगड़ा हो गया। तो अगर कुछ लोग एक लड़के पर तशद्दुद कर रहे हैं या उसके ऊपर किसी तरह की वॉयलेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में तीन तरह की एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है कि क्या यहाँ पर कोई वॉयलेंट एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही। अगर तो हम कंप्यूटर विजन की बात करें तो कंप्यूटर विजन के अंदर वो एक फ्रेम्स को डिटेक्ट करेगा कि जहां उस वीडियो फ्रेम के अंदर क्या कोई एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर तशद्दुद कर रहा है या उसे बीट कर रहा है, उसे मार रहा है, तो उसकी बेस पर वो फ्रेम डिटेक्ट करेगा और एक अलार्म जनरेट कर देगा। दूसरी तरह की ये भी एप्लीकेशन हो सकती है कि वहां पर एक कैमरे के साथ एक माइक लगाओ जो कि उनकी आवाजों को रिकॉर्ड कर रहा हो। तो अगर किसी तरह से किसी वजह से लड़ाई होती है या उनके दरमियान झगड़ा होता है, तो उस वॉयलेंट एक्टिविटी की वजह से वो माइक इजिली क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ से जो फ्रिक्वेंसी की वेव्स आ रही हैं या जहां से ये जो आवाजें आ रही हैं इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई एम्पलीट्यूड की है, तो वहां से वो एक स्पेसिफिक एम्पलीट्यूड से हाई वाली जो आवाजें उन पे अलार्म जनरेट करेगा, जिससे एक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सिस्टम को पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसी किस्म की वॉयलेंट एक्टिविटी हो रही है। और तीसरा केस के अगर उसने वहां पे कुछ बोला है या कुछ वर्ड्स उसने कहे हैं और जो वर्ड्स थोड़े से सेंसिटिव हैं, तो उसको एक एनएलपी की एप्लीकेशन क्या करेगी कि उन सेंसिटिव वर्ड्स को डिटेक्ट कर लेगी और सेंसिटिव वर्ड्स को डिटेक्ट करके फौरन एक अलार्म जनरेट करेगी और बता देगी कि यहाँ पर किसी किस्म की वॉयलेंट एक्टिविटी हो रही है। तो ये तीनों तरह की एप्लीकेशंस कंप्यूटर विजन, एनएलपी और स्पीच प्रोसेसिंग, तीनों तरह की फील्ड्स हम सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। देन फिर हम AI को स्मार्ट होम्स में यूज कर सकते हैं। स्मार्ट होम्स के अंदर हमारे पास एक सबसे बड़ी एग्जांपल एक एलेक्सा है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि जस्ट अपनी वॉइस के थ्रू ही अपने घर के रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशंस और फैंस और ट्यूबलाइट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी AI की एप्लीकेशंस होती हैं। देन फिर स्मार्ट सिटी में इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट सर्विस बोर्ड्स, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग, रिटेल में। रिटेल के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं कि हमें एक AI बता रहा होता है कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक चीज चाहिए तो वो हमें बता देता है कि ये स्पेसिफिक चीज किस रैप के अंदर कहाँ पे किस जगह पड़ी हुई है। तो यहाँ पर भी ये है कि एप्लीकेशंस हैं, कितने कस्टमर आते हैं, कितने कस्टमर गए, क्या रेशो है, ग्रोथ रेशो क्या है, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो है ना, ये AI की एप्लीकेशंस हमें इस बिजनेस फील्ड के अंदर भी मिलती हैं। देन ऑटोनोमस ड्राइविंग की हम बात कर चुके हैं कि ऑटोमेटिक ड्राइवर किस तरह से एक टेस्ला कंपनी की जो डिफरेंट हमारे पास कार्स हैं उनके अंदर ऑटोनोमस ड्राइविंग की एप्लीकेशन किस तरह से एक AI को यूज कर रही होती है। देन फिर आगे डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, पब्लिक सेक्टर्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, मीडिया, फार्मेसी, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रिटेल, ये तमाम तर जगहों पर हम AI की एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। देन फिर आगे हम लास्ट पे कुछ AI डिस्प्यूट्स की बात कर लेते हैं कि जहां AI की इतनी एप्लीकेशंस हैं वहां AI के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है AI का, दैट इज एल्गोरिथमिक बायस, यानी इसके अंदर बायसनेस होती है। AI के अंदर बायसनेस किस तरह से होती है कि लेट्स सपोज मैंने AI को कहा कि मुझे एक एडवर्टाइजमेंट जनरेट कर दो, मुझे एक एड चलानी है, तो वो एड के लिए मुझे कुछ कंटेंट जनरेट कर दो, एक प्रोडक्ट है मेरे पास, उस प्रोडक्ट की एड के लिए मुझे कुछ कंटेंट बना दो। तो अब AI को नहीं पता कि वो जो प्रोडक्ट है वो फीमेल्स यूज करते हैं या मेल यूज करते हैं। तो AI अगर मुझे उस प्रोडक्ट का कंटेंट बना देगा तो उस कंटेंट को मुझे खुद वेरीफाई करना पड़ेगा कि अगर मैंने किसी मेल के लिए कोई मेल की प्रोडक्ट है जिसको मेल यूज करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के लिए अगर कंटेंट जनरेट करवाना है, तो अगर AI मुझे एक फीमेल की प्रोडक्ट के लिए कोई कंटेंट, उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई कंटेंट जनरेट कर दे, तो वो मेरे लिए खुद से वैल्यूएट करना होगा, मुझे खुद से वेरीफाई करना होगा, वरना वो मेरे पास जो कंटेंट है वो गलत जनरेट हो जाएगा। इसी तरह से एक इमेज ली गई किसी भी नाइजेरियन की और उस इमेज को एक गूगल इमेज सॉफ्टवेयर टूल के अंदर अपलोड किया गया और उससे रिकॉग्नाइज करवाया गया, तो AI ने कहा कि वो एक नाइजेरियन की इमेज थी, तो AI ने उसे ह्यूमन कहने की बजाय गोरिल्ला कह दिया। तो यहाँ पर कुछ AI की डिफरेंट डिसएडवांटेजेस उसके अंदर
बायसनेस होती है कि एआई के अंदर कुछ बायसनेस होती है कि हमारे बिल्कुल बायसनेस का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड से रिजल्ट दे रहा होता है, तो यहाँ पर उसकी कुछ लिमिटेशन आती है। देन उसके अंदर कुछ प्राइवेसी इशू होते हैं, क्योंकि एआई को ट्रेन होने के लिए ह्यूज डाटा चाहिए होता है, तो ह्यूज डाटा हमारे पास नॉर्मली डाटा जो है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि डाटा कुछ उसकी कुछ प्रीमिसेस होती हैं, डाटा के ऊपर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और कुछ ऐसा डाटा होता है जो कि हमारे पास लीगल होता है जिसको हम पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते। तो उस केस में जहां पर हमारे पास कोई ऐसा एआई बनाना है जिसके लिए लीगल डाटा की जरूरत है, तो वहां पर हमें डाटा गेन करना मुश्किल हो जाता है, हमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने पड़ते हैं या कुछ प्राइवेसी इश्यूज को कंट्रोल करना पड़ता है, तो फिर जाके वो डाटा हम एक सेफ प्रीमिसेस के अंदर गेन करते हैं, देन उससे एआई ट्रेन करवाते हैं, तो प्राइवेसी का भी यहाँ पर एक इशू है। देन फिर आगे कुछ इश्यूज आ जाते हैं कि जो चीज हम देखें उसे बिलीव नहीं कर सकते कि हमारे पास एक एआई है, एआई ने एक फेक इमेज जनरेट करवा दी किसी भी एक गैम्बलर है, तो हमारे पास कोई भी एक जैसे कह लें कि डिफॉल्टर पर्सन है, उसने अपनी फेक इमेज जनरेट करवाई और उसने उस फेक इमेज के थ्रू किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कंपनी में अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद उसने उस जगह पर कोई मर्डर किया या किसी तरह की कोई चोरी की या कोई जिसे नेगेटिव एक्टिविटी परफॉर्म करके वो वहां से भाग गया। अब जब डेटाबेस में चेक किया जाएगा तो डेटाबेस में उसकी तस्वीर कोई और होगी जो कि बिल्कुल फेक होगी, क्योंकि वो एआई ने जनरेट की थी और एक्चुअल पर्सन वो नहीं है, एक्चुअल पर्सन की तस्वीर और है, तो इस तरह से उसे डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम एआई से बनने वाली जो भी चीज है उसको देखकर सच नहीं मान सकते। देन फिर एक और बहुत ज्यादा सवाल उठता है कि क्या एआई आने की वजह से हमारे पास एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी? तो कुछ फील्ड्स हैं जिनको तो एआई रिप्लेस कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनको एआई रिप्लेस नहीं कर सकती। यानी एक टैक्सी ड्राइवर है, तो टैक्सी ड्राइवर का काम ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम आने के बाद टैक्सी ड्राइवर का सारा काम एआई ने संभाल लिया। इसी तरह कोरियर, सोर्जर, अकाउंटिंग, टेलीसेल्स पर्सन, कस्टमर सर्विसेज, ये तमाम तर जो चीजें हैं इनको एक एआई क्या कर रहा है कि इन सारी चीजों को एआई ओवरकम कर रहा है। लेकिन जहां तक एक कंटेंट राइटर की बात है, जहां तक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात है, एचआर मैनेजर की बात है, ग्राफिक डिजाइनर की बात है, इन तमाम तरह की फील्ड्स में उन तमाम तरह के लोगों को एआई हेल्प करेगा उनकी एप्लीकेशंस बनाने में, उनके काम करने में। तो कुछ चीजें हैं जहां पर एआई हमें रिप्लेस कर सकता है और कुछ चीजें हैं जहां पर एआई हमें असिस्ट करेगा, हमें हेल्प करेगा और हमारे काम को आसान बनाएगा। तो यहां तक हम एआई की एप्लीकेशंस कंप्लीट हो गई हैं और यहां तक हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और पाइथन और डेटा साइंस ये तमाम चीजें क्या हैं इनको देखेंगे। थैंक यू।